डिजास्टर या फिर क्या कहते हैं? एकदम डिजास्टर। वाह सर, क्यों? कुछ नहीं है, बच्चे ट्रैफिकिंग की कोई स्टोरी है, जैसे पिछले साल रणबीर सिंह की थी, पुराने जमाने की स्टोरी ले आते हैं, क्या कोई मतलब ही नहीं है। ट्रैफिक, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, KGF जैसे पिक्चर बनाने की कोशिश की है, कुछ भी नहीं। तो कंगना और अर्जुन रामपाल को जैसे नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ एकदम। अच्छा, काम की बात करें तो काम कैसे, काम क्या करेंगे जब पिक्चर में दम होना चाहिए ना, कुछ काम कैसे करेंगे? कुछ स्टोरी में लेंथ में दम नहीं है। फोकट में भी नहीं देखना, किसी सबको सलाह दूंगा, फोकट में भी नहीं। तो वो बोलेगा थिएटर में फोकट में दिखा रहे, आ जाओ तो भी नहीं देखना। तो कंगना करे कितना डिस्ट्रॉय होगा इस फिल्म से, डिस्ट्रॉय होगा कितना? नहीं नहीं, आई डोंट व्हाई शी चूज सच अ रबिश फिल्म, सच्ची कुछ भी नहीं उसके। लोगों की माने तो लोगों ने ट्रेलर को बहुत पसंद किया था। कहाँ पसंद किया, पसंद किया तो पब्लिक होती है, 15 आदमी है खाली, 15 में गिने आदमी गिने मैंने, फिर जीरो नहीं, माइनस फाइव। अच्छा, कंगना के लिए कौन सा मैसेज है? ज़्यादा अच्छा है, सेकंड हाफ थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल बहुत अच्छी है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है? एक्शन बहुत अच्छा है और क्लाइमेक्स भी बहुत अच्छा है, बट थोड़ी सी स्टोरी जो है मर्दानी से इंस्पायर्ड है फर्स्ट हाफ बस। कंगना का एक्टिंग कितना पावरफुल है? एक्टिंग तो कंगना हमेशा ही अच्छा करती है। अर्जुन रामपाल, रामपाल भी विलेन के रोल में बहुत अच्छे लगे। डायरेक्शन पार्ट अच्छा है, बढ़िया है डायरेक्शन। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल धाकड़ जैसी। क्या पावरफुल है इसमें? उसमें देखो एक्शन, एक तो मेरे ख्याल से थोड़ा हॉलीवुड लेवल था, बढ़िया था, और कंगना ने कुछ नया ट्राई करा तो अच्छा लगा। एंड मतलब देखा जाए तो कुछ कुछ चीज़ें थी थोड़ी अनइवन लगी, इसलिए मैंने 5 में से 4.2 दिया। कुछ कुछ चीज़ें थी बट वो बाकी पिक्चर के कंपैरिजन में बॉलीवुड में बहुत बढ़िया पिक्चर थी वाली, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। अर्जुन रामपाल का एक्टिंग कैसा? नेक्स्ट लेवल। बहुत टाइम बाद देखा मैंने उन्हें, मतलब लास्ट मैंने शायद उनको कौन सी पिक्चर आई थी उसमें रॉय का नाम था कुछ ना, पिक्चर का नाम याद नहीं, लास्ट वो देखी थी मैंने उनकी। 4.2। डायरेक्शन पार्ट वॉज वेरी गुड, सिनेमाटोग्राफी वॉज वेरी गुड। वन टाइम वॉज, टू टाइम वॉज, टू टाइम। कैसी लगी पिक्चर? वो एवरेज फिल्म है, क्योंकि फाइटिंग का बहुत ज़्यादा ओवरडोज है सर। और एक्चुअली आजकल ऐसी पिक्चर ये बॉलीवुड स्टाइल नहीं है, हॉलीवुड स्टाइल पिक्चर है। अच्छी बात है ना ये तो? अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो बॉलीवुड मसाला की कमी है, एंटरटेनमेंट ऐसा कुछ खास नहीं। कंगना का ये जो एक्शन जो है वो ओके है ऐसा, लेकिन जो बाकी जो फिल्म में उसने काम किया था, क्वीन, झांसी की रानी, वो बहुत अच्छे थे। उसने विलन का रोल किया है, ठीक है। सब्जेक्ट वो रिवेंज का सब्जेक्ट है, वो जैसा जेम्स बॉन्ड की फिल्म आती है ना उस टाइप की है पिक्चर। मिशन रहता है, वो मिशन में वो टारगेट रहता है उसमें अचीव करने का। धाकड़ मूवी बढ़िया है, एक्शन और एक्टिंग के लिहाज से बढ़िया फिल्म है। क्या ताकत है फिल्म की, क्या कमजोरी? फिल्म की ताकत कंगना की एक्टिंग, अर्जुन रामपाल दिव्या दत्ता की एक्टिंग, एक्शन के दृश्य फिल्म की ताकत है, लेकिन एक्शन दृश्यों की लंबाई फिल्म की कमजोरी बन गई, क्योंकि कहानी पे फोकस नहीं कर पाई उन दृश्यों को दिखाने के चक्कर में, तो थोड़ा सा हाइपर हो गई। अर्जुन रामपाल कैसे लगे? अर्जुन रामपाल विलेन का जब भी करते हैं तो थोड़ा चौंकाते हैं, इसमें भी चौंकाया, बहुत ज़बरदस्त काम किया अर्जुन रामपाल। 2.5। एक बार तो देखी जा सकती है कंगना और अर्जुन सब एक्टिंग और एक्शन के लिए। हाँ, कहानी पे अच्छा काम होता तो दूसरी बार भी देखते लोग। ठीक है साहब, क्या ताकत है फिल्म की, क्या कमजोरी है? ताकत ये कि एक्शन अच्छे थे और कंगना जी ने जो एक्शन और जो फाइटिंग की वो बहुत अच्छी थी, उससे जो स्टोरी को पकड़ नहीं पाए, डायरेक्टर और राइटर के हाथ में थी सारा कुछ। एक्शन पार्ट बोल रहे हैं, एक्शन बहुत है, कंगना कितना जस्टिस कर पाई जो रोल प्ले कर रही है? एक्शन में वो सही कर पाई। हाँ, एक्शन में जो था उनको करना था वो उन्होंने किया। आप क्या, स्टोरी जो थी शायद ऑडियंस को भी नहीं समझ में आई है, और भी चीज़ें हैं सबसे मेन वजह। वो भी ठीक है। अर्जुन रामपाल स्टोरी लाइन कितनी प्रभावित करती है? मुझे ज़्यादा तो नहीं किया मेरे को, अगर देखा जाए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से।
डायरेक्शन पॉइंट तो ठीक था, लेकिन क्या है ना स्टोरी मैं चीज होती है, स्टोरी बीच में छोड़ा है स्टोरी में, हाँ उन्होंने भी ठीक किया, मैं चीज होती है स्टोरी, स्टोरी कैसी जा रही है वो ऑडियंस बता देगी। आउट ऑफ 5 स्टार्स 4।